हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 को रिलीज हुए 3 दिन पूरे हो चुके हैं। देश में चल रहे तनाव भरे माहौल के कारण भी फिल्म ने रिलीज के दिन 24 करोड़ 50 लाख रुपए के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग की थी। इस आंकड़े को देखने के बाद ये कहना मुश्किल है कि दर्शकों के बीच भाईजान की फिल्म को लेकर क्रेज कम हुआ है। साथ ही फिल्म ने इस माहौल के बाद भी जबरदस्त ओपनिंग के साथ बड़े पर्दे पर दस्तक दी है। हालांकि फिल्म को क्रिटिक्स और ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जनता द्वारा प्रोटेस्ट किए जाने पर फिल्म के आंकड़े में वीकेंड पर भारी गिरावट देखने को मिली। बता दें कि पहले दिन का कलेक्शन देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि फिल्म के दूसरे और तीसरे दिन भारी उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देश भर में चल रहे CAA के विरोध प्रदर्शनों के कारण फिल्म को काफी नुकसान हुआ है। विरोध प्रदर्शनों को मद्देनजर रखते हुए सलमान खान के फैंस की काफी तादाद थिएटरों तक जाने में नाकाम रही और उनमें से ज्यादातर विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने के पहुंचे थे, जिसके चलते फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन घट गया है। वीकेंड में हुए दबंग 3 के बिजनेस को देखने के बाद फिल्म को लगभग 20 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ा है, जो कि एक बड़ी रकम है। CAA के विरोध प्रदर्शन के अलावा रविवार के दिन इंडिया वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए मैच का प्रभाव भी फिल्म की कमाई पर पड़ा है। कहना गलत नहीं होगा कि CAA को लेकर हो रहे विरोध के चलते सलमान को बड़ा झटका लगा है। वहीं मेकर्स फिर भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि दबंग 3 अपने पहले हफ्ते में 130 से 140 करोड़ रुपए तक की कमाई करने में कामयाब रहेगी। फिल्म में सलमान खान के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, साई मांजरेकर और किच्चा सुदीप लीड रोल में हैं। प्रभुदेवा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म सलमान के साथ उनकी दूसरी फिल्म है। वैसे आपको बता दें कि CAA के चलते दबंग 3 के अलावा मर्दानी 2, पानीपत और पति पत्नी और वो की कमाई पर भी बुरा असर पड़ा है। बात करें दबंग 3 की तो फिलहाल फिल्म ने अब तक 81 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या आने वाले दिनों में भी CAA को लेकर मचे हंगामे के चलते दबंग 3 की कमाई पर बुरा असर पड़ता है या नहीं। वैसे अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।